वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। हमारे पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, हमने इसको ऐड करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, बेस टू होती है, ठीक है। तो बेस टू है और जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास या तो वन आ सकता है या तो ज़ीरो आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 1 0 1 1। बेस जो है 2, वो भी आप यहाँ पर लिख लें। साथ ही इसी तरह इसको यहाँ से स्टार्ट करें, इसके नीचे लिखना 0 0 0, ये वाला 0 और ये 1, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना। बेस 2 आ गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 में 0 को प्लस करें 1 ही आता है, 1 में 0 को प्लस करें 1 ही आता है, 0 में 0 को प्लस करें 0 आता है, 1 में 0 को प्लस करें 1 आता है, और 1 में 1 को प्लस करें तो 2 आता है। लेकिन हमने यहाँ पर 2 लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस 2 है। तो बेस 2 है तो इसका मतलब है हमारे पास या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो हमारे पास तो वैसे तो प्लस करने पर 2 ही आता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखना। उसको किस तरह आपने लिखना है, 2 आ रहा है प्लस करने पे तो यहाँ पर 2 लिखें, और बेस हमारे पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर लें। 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, पूरा 2 सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख देना, 1 0, और यहाँ पर बेस क्या आ गई हमारे पास 2, ठीक। और अगर आपके पास जब आप ऐड कर रहे हों तो हमारे पास अगर 3 आ जाए, जैसे 1 में 1 प्लस करें 2 और 2 में कैरी भी 1 प्लस करें तो 3, तो फिर क्या करना है, 3 को यहाँ पर रखना और डिवाइड तो 2 से ही करना क्योंकि बेस 2 है। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ पर 2 को सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, और ये 3 था, हमने तो 2 को सॉल्व किया तो इसका 1 यहाँ पर रिमाइंडर में आ गया। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया, 1 1, ठीक है। इस तरह करते हैं सॉल्व, ये भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, समझ आया। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।